हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने एक गाइडलाइन पब्लिश करा है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 8 प्रोफेशन ऐसे हैं जिनका प्रोफेशन चेंज किया जा सकता है बिना वर्कर एम्प्लॉई के अप्रूवल के। कंपनी इन 8 प्रोफेशन को चेंज कर सकता है बिना वर्कर के अप्रूवल के। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करूंगा कि वो कौन कौन से 8 प्रोफेशंस हैं जिनका प्रोफेशन चेंज किया जा सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेंगे कंपनी के लिए ताकि वो प्रोफेशन चेंज कर पाए, और वर्कर के लिए एम्प्लॉई के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा ताकि उनका प्रोफेशन चेंज हो पाए, और ये जो प्रोफेशन चेंज कैसे किया जाएगा, ये प्रोफेशन चेंज क्यों किया जा रहा है, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। किवा पोर्टल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का एक वेबसाइट है, पोर्टल है, जिसमें बहुत सारे सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज किए जाते हैं, उनमें एक कंडीशन उन्होंने जोड़ दिया है। ये बोलिए कि वो कंडीशन हटा दिया है जिसमें वर्कर के पास अप्रूवल के लिए जाता था। अगर कंपनी कुछ प्रोफेशन अगर चेंज करती है तो पहले वर्कर के पास जाता है, वो अप्रूव करता है, इसके बाद बाकी का फॉर्मेलिटीज होता है। लेकिन ये जो 8 प्रोफेशंस हैं उनका अगर जब वो प्रोफेशन चेंज करने के लिए अप्लाई करेंगे तो वर्कर के पास अप्रूवल के लिए नहीं जाएगा। वो कौन कौन से 8 प्रोफेशंस हैं? डॉक्टर्स, इंजीनियर, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, मॉनिटरिंग टेक्नीशियन, वर्कर और एक ऑर्डिनरी वर्कर, वर्कर आमिल और ऑर्डिनरी वर्कर आमिल आदि। ओके, ये 6 जो प्रोफेशंस हैं इनका प्रोफेशन कंपनी चेंज कर सकता है और वर्कर का अप्रूवल नहीं चाहिएगा। और कंपनी वालों को ये भी बताया गया है कि जब भी आप कोई इस तरह के प्रोफेशन, ये जो 6 प्रोफेशन वालों को रिक्रूट करें तो उनका जो डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन दे, ताकि उनका अप्रोप्रिएट वीज़ा इशू हुआ जाए या फिर उनका अप्रोप्रिएट प्रोफेशन इकामा में मेंशन किया जाए। ये जो प्रोफेशन चेंज है इसको प्रोफेशन चेंज ना बोल के करेक्शन, प्रोफेशन में जो करेक्शन है वो माना जाएगा, और ये एक बार ही हो सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो जो भी ये 6 कैटेगरी में लोग हैं वो अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं एक बार, और फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, नहीं तो 1,000 से 2,000 रियाल तक लगता है प्रोफेशन चेंज करने में। इसके अलावा जो बाकी ये 8 जो प्रोफेशन है उनके अलावा जो भी और प्रोफेशंस हैं उनका अगर प्रोफेशन चेंज किया जाएगा तो वर्कर का अप्रूवल डेफिनेटली लेना पड़ेगा, सिस्टम उसी हिसाब से कन्फिगर है। और कंपनी वालों को ये भी बताया है कि इन 6 कैटेगरी में, इन 6 प्रोफेशंस में आप रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर्स या फिर इंजीनियर या टेक्नीशियन, बाकी जो वर्कर, ऑर्डिनरी वर्कर को वो रिक्रूट नहीं कर सकते। रिक्रूट कर सकते हैं, लेकिन उनको रिक्रूटमेंट करते समय में उनका डिस्क्रिप्शन, एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, तभी वो रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। और ये जो जितने भी प्रोफेशन चेंज किया जाएगा इन 6 प्रोफेशंस का, ये क्यूआ के थ्रू किया जाएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्यूआ में कैसे प्रोफेशन चेंज किया जाएगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और जो वर्कर हैं और ऑर्डिनरी वर्कर हैं उनके लिए 67 अल्टरनेटिव जो प्रोफेशन हैं वो बताए गए हैं कि इनको आप इन 67 अल्टरनेटिव प्रोफेशंस में रख सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये 67 कौन कौन से हैं इसका लिस्ट मुझे कहीं मिला नहीं, ये जब कंपनी वाले चेंज कर रहे होंगे तो उनके पास सिस्टम में दिखेगा। तो आपको अगर चेंज करवाना है या फिर आप इन 6 कैटेगरी में आते हैं तो अपने कंपनी वाले को कॉन्टेक्ट कीजिए ताकि वो आपका प्रोफेशन चेंज कर पाए। जो वर्कर है या फिर ऑर्डिनरी वर्कर है उनका भी बहुत सारा डिटेल दिया गया है कि ये वर्कर या फिर ऑर्डिनरी वर्कर कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, पेट्रोल पंप में काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, पैकिंग के लिए, लोडिंग अनलोडिंग, बहुत सारे ऐसे लगभग 70-75 ऐसे एक्टिविटीज़ दिए गए हैं जहाँ पे अगर वो काम कर रहे होंगे तभी उनका वर्कर या फिर ऑर्डिनरी वर्कर अगर है उनका प्रोफेशन तो वो चेंज किया जाएगा। अब ये सवाल सबके मन में है कि ये प्रोफेशन क्यों इस तरह से चेंज किया जा रहा है। जहाँ तक मेरा मानना है कि इसको और थोड़ा सा स्पेसिफाई किया जा रहा है। मान लीजिए अगर वर्कर है किस चीज़ का वर्कर है, ऑर्डिनरी वर्कर है किस चीज़ का वर्कर है, अगर इंजीनियर एक बहुत ही जनरल प्रोफेशन है, इंजीनियर है तो उसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया होगा।
अगर आपने देखा होगा सेंसस सर्वे में, अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया होगा, तो वहाँ पे बहुत ही एलोबोरेटेड डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है प्रोफेशन का। तो ये सारे जितने भी प्रोफेशन हैं बहुत ही जनरल प्रोफेशन है, जो 6 प्रोफेशन मैंने आपको बताए हैं। तो आगे जो सऊदी विज़न 2030 है, उनका विज़न ये है कि 60% सऊदीजाइजेशन होना चाहिए 2030 तक। तो मान लीजिए अगर वर्कर को ही अगर सऊदीजाइज कर दिया जाता है तो बहुत ही जनरल है, सारे वर्कर्स आ जाएंगे उसमें। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वर्कर है तो कौन सा चीज़ का वर्कर है। तो अगर ये प्रोफेशन इस हिसाब से चेंज हो जाता है बहुत ही डिटेल तरीके से, तो वो बाकी आसानी होगा कुछ कैटेगरी को आगे चल के सऊदीजाइज करने के लिए। ओके, ये एक कारण हो सकता है कि क्यों ये प्रोफेशन चेंज किया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये था इन शॉर्ट अपडेट। इसमें बहुत सारे र्यूमर्स भी हैं, लेकिन आप इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि ये 6 प्रोफेशंस हैं, उनका प्रोफेशन चेंज किया जा सकता है। नंबर 1, बिना कंपनी के, बिना वर्कर के अप्रूवल के। नंबर 2, एक बार किया जा सकता है। नंबर 3, फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा सकता है। ओके, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कंपनी के लिए। कंपनी भी एलिजिबल होना चाहिए ट्रांसफर के लिए, तभी वो क्यूआ प्लेटफॉर्म में प्रोफेशन चेंज कर पाएंगे। नंबर 1 क्राइटेरिया है कि कंपनी एग्जिस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कंपनी बंद है, कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। दूसरा ये, कंपनी का जो CR है, कंपनी रजिस्ट्रेशन, वो वैलिड होना चाहिए। तीसरा ये कि कंपनी के जो एक्टिविटीज़ हैं, मान लीजिए कोई कंपनी है जिनका एक्टिविटीज़ अगर मैं बोलूँ तो वो कंस्ट्रक्शन है, किसी का एक्टिविटी सर्विसेज है, किसी का मैन्युफैक्चरिंग है, तो जो कंपनी वाले फार्मर्स के नाम पे रजिस्टर हैं, या फिर हॉर्स ब्रीडिंग के, या फिर रेंटिंग डोमेस्टिक वर्कर्स, ओके, या लेबर्स, वो सारे कंपनी इसके लिए एलिजिबल नहीं है प्रोफेशन चेंज करने के लिए। इसके अलावा जो बाकी कंपनी है वो सारे एलिजिबल हैं। ये तो था मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंपनी के लिए, ताकि वो क्यूआ में ट्रांसफर फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाए। अब वर्कर के लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहला ये है कि मान लीजिए अगर कोई इंजीनियर है तो उनके पास मेंबरशिप होना चाहिए, इक्विवेलेंट मेंबरशिप, जैसे कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स है। अगर वो अकाउंटिंग है तो उसका भी एक मेंबरशिप है, जो सऊदी कमीशन ऑफ अकाउंटिंग, ऐसा कोई एक मेंबरशिप है। उसी तरह से अगर कोई इंजीनियर है या फिर डॉक्टर्स हैं, उनका मेंबरशिप होना चाहिए। ओके, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो वर्कर है जिनका प्रोफेशन चेंज किया जा रहा है, उनका जो एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र वो पेंडिंग नहीं होना चाहिए। क्यूआ से आप एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एक कंपनी से दूसरे कंपनी, अगर उनका स्टेटस पेंडिंग सर्विस ट्रांसफ़र अगर दिखा रहा है तो उनका प्रोफेशन चेंज नहीं होगा। और तीसरी बात, अगर उस वर्कर का जिनका प्रोफेशन चेंज हो रहा है, अगर उनके नाम पे कोई एग्जिट वीज़ा इशू है, तो उनका ट्रांसफ़र, उनका प्रोफेशन चेंज नहीं होगा। चौथा बात, अगर उनका पहले से ही एक प्रोफेशन चेंज रिक्वेस्ट पेंडिंग है, तो उनका भी नहीं होगा। ये सारे चीज़ अगर होते हैं तो प्रोफेशन चेंज नहीं होगा। तो जिनको चेंज करना है वो मेक श्योर कीजिए कि एक्सिट वीज़ा ना इशू हुआ हो, उनका कोई ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पेंडिंग ना हो, उनका प्रोफेशन चेंज का रिक्वेस्ट कोई पेंडिंग या फिर अंडर प्रोसेस ना हो। ये तो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसे कैसे चेंज किया जाएगा? जो कंपनी वाले हैं, जो HR हैं, या फिर जो भी रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट हैं जो ये काम करते हैं, वो क्यूआ प्लेटफॉर्म से इसे चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करना है उनको? क्यूआ प्लेटफॉर्म में लॉगिन कर लेना है, वहाँ पे ई सर्विसेज में जाना है, जहाँ पे ऑक्यूपेशन चेंज का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ओके, जो भी वर्कर का उनको प्रोफेशन चेंज करना है वो वर्कर को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में जो ऑक्यूपेशन, जो न्यू प्रोफेशन उनके नाम पे सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल्स वगैरह फिल करेंगे और अप्लाई कर देंगे। ये सिंपल सा प्रोसेस है, ऐसा करेंगे तो प्रोफेशन चेंज हो सकता है। ओके, तो यही था अपडेट। जो मैंने ज़्यादा जानकारी इस पे, इससे ज़्यादा और तो नहीं है। आप अगर इस 6 प्रोफेशन में आते हैं जिनमें बेसिकली ऐसा लिखा हुआ है आपके इकामा में, इंजीनियर, नॉर्मल इंजीनियर, अगर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, प्रोजेक्ट इंजीनियर है, वो अलग हो गया, लेकिन नॉर्मल अगर इंजीनियर लिखा हुआ है, डॉक्टर ही लिखा हुआ है, या फिर वर्कर लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी वर्कर लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है, तो अपनी कंपनी को एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिए। उनको क्यूआ में ज़रूर एक नोटिफिकेशन आया होगा इस चीज़ का कि उनको चेंज करना है, कुछ डेडलाइन भी दिए होंगे।
अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? मुझे लगता है अगर इसको चेंज नहीं करेंगे 6 professions को नए प्रोफेशन में, तो जब इकामा रिन्यूअल का टाइम आएगा तो शायद उस समय प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेंसस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आज वो लास्ट डे है, उसके लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। फर्दर और भी एक्सटेंड किया जा सकता है, पता नहीं, लेकिन आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं और ऑफलाइन जो एम्प्लॉय आते हैं सेंसस वाले उनको भी अपना डेटा दे सकते हैं। उनको कैसे पहचाने वो सही है गलत है उसके बारे में एक वीडियो पब्लिश करूंगा। एक मंकी पॉक्स के बारे में कुछ मैंने स्टडी करा है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये सारे वीडियोस हैं जो आने वाले दिनों में मैं आपके साथ में पब्लिश करूंगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।